हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सांदीपनी एजुकेशनल एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने जो है कुछ सेंटेंसेस से उसके सब्जेक्ट और उनके वर्ब के बारे में पढ़ा था, और वर्ब किससे कौन सी होती है, जो एक्शंस होते हैं वो वही जो है वर्ब होते हैं। तो चलिए अभी हम कुछ सेंटेंसेस पढ़ते हैं। लेट्स रीड द सेंटेंसेस अगेन। सेला इज रीडिंग द हॉर्स ग्लोब्स, माई सिस्टर स्लीप्स। द सब्जेक्ट इन ऑल द अबव सेंटेंस आर सिंगुलर इन नंबर। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है सब में सिंगुलर है, हॉर्स में भी हॉर्सेज नहीं है, सेला में भी जो है एक से ज़्यादा पर्सन नहीं है, सिस्टर में भी वन पर्सन नहीं है, ठीक है। If the subject in these sentence had been more than one, the verb from two would have changed. अगर यहाँ पे तो क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक पर्सन है, और अगर एक से ज़्यादा होएगा इंसान या तो फिर जो भी है सब्जेक्ट जो है एक से ज़्यादा होएगा, तो वहाँ पे क्या होएगा, वर्ब भी जो है चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल सेला एंड आई आर रीडिंग। तो यहाँ पे इज आया था ना, यहाँ पे इज का यूज हुआ था, तो यहाँ पे आर का यूज हुआ है, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, एक से ज़्यादा है, सेला एंड आई, तो यहाँ पे आर का यूज हुआ है। द हॉर्सेज ग्लोब, तो यहाँ पे क्या क्या हुआ था, वर्ब्स में ग्लोब्स लिखा था क्योंकि हॉर्स सिंगल था, अब हॉर्सेस हैं तो यहाँ पे ग्लोब आएगा। देन माई सिस्टर्स, एक से ज़्यादा हो गया सिस्टर, स्लीप्स था सिंगुलर में, तो यहाँ पे सिस्टर्स स्लीप हो गया, ठीक है। इन सेंटेंसेस द वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट, के सेंटेंस के अंदर जो है वो वर्ब जो है सब्जेक्ट को एग्री करनी चाहिए, सब्जेक्ट के साथ में चलनी चाहिए। दैट इज इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब इज सिंगुलर, एंड इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल द वर्ब इज प्लूरल। कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और अगर वर्ब सिंगुलर होगी तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा, और अगर वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो जो है वर्ब भी प्लूरल ही होगी। अ सिंगुलर सब्जेक्ट इज वन पर्सन एनिमल और थिंग। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, एक इंसान भी हो सकता है, एक जानवर भी हो सकता है, और एक कोई चीज़ भी हो सकती है। एग्जाम्पल रामू, आई, ही, सी, इट। अ प्लूरल सब्जेक्ट इज मोर देन वन पर्सन एनिमल और थिंग। प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं, जो जिनमें एक से ज़्यादा इंसान हो, एक से ज़्यादा पर्सन हो, एक से ज़्यादा एनिमल हो, एक से ज़्यादा चीज़ हो, कोई भी थिंग हो, वहाँ पे हम उसे हम प्लूरल सब्जेक्ट कहेंगे। जैसे कि दे, रमेश एंड रामू एक्सेट्रा। अ सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड विद द सब्जेक्ट ही, सी और इट। सिंगुलर वर्ब किसके साथ में यूज करी जाती है, ही, सी और इट के साथ में। अ प्लूरल वर्ब इज यूज्ड विद द सब्जेक्ट दे और विद अ पेयर ऑफ टू नाउन्स। प्लूरल वर्ब जो है वो किसके साथ में यूज करी जाती है, दे और जो नाउन होते हैं उनका जो पेयर होता है ना, टू का पेयर हो, थ्री का पेयर हो, उनके साथ में जो है प्लूरल वर्ब यूज करी जाती है। ही ईट्स, सी ईट्स, इट ईट्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सिंगुलर आया। दे ईट, तो यहाँ पे प्लूरल। ही डांस, ही डांसेस, सी डांसेस, रामू एंड गीता डांस, ठीक है। ईट इज, यहाँ पे ये सेंटेंस दिया है, ही ईट्स, सी ईट्स, इट ईट्स। ईट्स इज अ सिंगुलर वर्ब, इट इज अ प्लूरल वर्ब। डांस, यहाँ पे जो डांस
डांसेस लिखा है, डांसेस इज सिंगुलर वर्ब एंड डांस इज प्लूरल वर्ब, ठीक है। देयरफॉर वी कैन से दैट सिंगुलर सब्जेक्ट कैरी सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट कैरी प्लूरल वर्ब, दिस इज नोन एज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कि ये जो हमने पढ़ा उससे हमें पता चला, हम ऐसे कह सकते हैं ये पढ़ने के बाद, कि सिंगुलर वर्ब जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर वर्ब को कैरी करता है, और प्लूरल सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल वर्ब को कैरी करता है, और इसको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। टिप टू, टू फॉर्म प्लूरल नाउन वी ऐड एस और ई एस, टू फॉर्म प्लूरल वर्ब वी रिमूव एस फ्रॉम द वर्ब। कि हम क्या करते हैं, प्लूरल नाउन जब होता है तो हम एस और ई एस जो है ऐड कर देते हैं, और अगर प्लूरल वर्ब होता है तब हम एस और ई एस हटा देते हैं वर्ब में से। द बर्ड फ्लाई इन द स्काई, तो यहाँ पे क्या है, हमने ई एस लगाया हुआ है, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तो ये क्या है, प्लूरल बना दिया हमने, ई एस हटा दिया। फिर है द क्रो काउज, तो यहाँ पे एस लगाया हुआ है क्योंकि सिंगल है, सिंगुलर है सब्जेक्ट। देन द क्रोज काउ, तो यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसको सिंगुलर कर दिया, यहाँ पे एस हटा दिया। तो चलिए अभी हम इसकी एक्टिविटी करके देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ब, आई टू स्टेशन टू एवरी डे, तो यहाँ पे आई जो है सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वर्ब भी जो है सिंगुलर आएगी, वॉक। यहाँ पे फिर से आई सिंगुलर है, आई डांसिंग, तो आई लव डांसिंग। देन अगेन आई सिंगुलर है तो हैव आएगा, हैव। अगेन आई सिंगुलर है तो यहाँ पे कुक आएगा, कुक्स नहीं आएगा, ठीक है, कुक गुड मील्स, ओके। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट एक्टिविटी आपको करवा दी है, इसको आपको पढ़ना और समझना है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।